रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट है आपका ग्रीन प्लांट, देन सेकेंड क्लोरोफिल, थर्ड इज सनलाइट, फोर्थ वाटर एंड मिनरल, फिफ्थ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इन सब को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रीन प्लांट। और ग्रीन प्लांट होता क्या है? इट मीन्स ग्रीन लीव। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ग्रीन लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहा जाता है। क्यों? बिकॉज द फूड मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव। सेकेंड इज क्लोरोफिल। द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स हैव सेवरल ग्रीन स्ट्रक्चर। उस ग्रीन लीव के अंदर ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यानी क्लोरोप्लास्ट हम उसको बोलते हैं, एक पत्ते के अंदर एक स्पॉट्स हल्का हल्का जो धब्बा होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। सम लीव्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर कलर्स पिगमेंट विच हैव ग्रीन कलर। इवन व्हेन फोटोसिंथेसिस ऑकर इन दिस लीव्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वो हमेशा जो पत्ता है वो हरा भरा इसलिए होता है क्योंकि उस ग्रीन प्लांट्स के अंदर यानी ग्रीन लीव्स के अंदर उसके अंदर प्रेजेंस क्लोरोफिल होता है इसी वजह से। सनलाइट एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और सनलाइट की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से, हेंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस टू कंबाइन। यानी सनलाइट के साथ जो भी चीज़ कंबाइन हो रहा है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वाटर एंड मिनरल। वाटर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। सॉइल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है, मिनरल होता है उसके अंदर। दे ट्रांसपोर्टेड टू द लीव थ्रू पाइप लाइक वेसल्स प्रेजेंट इन द रूट्स। रूट्स और स्टेम और ब्रांचेस के द्वारा ही पूरे प्लांट्स के लीव से लेके पूरे पार्ट्स में वो वाटर और मिनरल ट्रांसफर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द टाइनी पोर्स। और जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर जिसको हम स्ट्रोमेटा बोलते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होता है। द स्ट्रोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द मोस्ट लीव्स। ईच स्ट्रोमा इज कंसिडर्ड बाई गार्ड सेल। द गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्ट्रोमेटा। वो गार्ड सेल की वजह से ही जो हमारा स्ट्रोमेटा है बंद होता है और वो खुलता है। और स्ट्रोमेटा पाया किस चीज़ में जाता है? आपके ग्रीन प्लांट्स के अंदर। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कार्यकलाप। द क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड। मैंने बताया आप लोग को, सनलाइट के हेल्प से उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए जो कि हमारा प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करता है। द फूड प्रिपेयर्ड इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और वो फॉर्म किस फूड कौन से फॉर्म में प्रिपेयर करता है? आपके कार्बोहाइड्रेट जिसको हम शुगर बोलते हैं। दिस शुगर अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और ये शुगर आपका स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है जिसको अनदर दूसरे फॉर्म में इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इन ब्रीफ फोटोसिंथेसिस